हे व्हाट्सअप गाइस, तो क्या कर रहे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए रॉन्ग टर्न सीरीज की रॉन्ग टर्न 4 मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में बहुत ही स्लैशर सीन है, तो चलिए बिना कुछ देरी के आज का इस मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मूवी के स्टार्टिंग में हमें 1974 में वेस्ट वर्जीनिया का एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है। इस हॉस्पिटल में डिफॉर्म लोगों को रखा जाता है। असल में ये डिफॉर्म लोग बर्थ डिफेक्ट के वजह से यहाँ पर कैद बने थे और वहाँ पर इस हॉस्पिटल का इंचार्ज डॉक्टर ब्रैंडन वहाँ पर आते हैं और डॉक्टर ब्रैंडन के साथ और एक लेडी डॉक्टर उस हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए आते हैं और जिसका नाम डॉक्टर एन होता है। और डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को हॉस्पिटल के सारे कैदियों से उसे मिलाने लगता है, लेकिन डॉक्टर एन को उनमें से एक कैदी पकड़ लेता है और उसके हेयर से हेयर पिन निकल लेता है। और डॉक्टर ब्रैंडन चलते चलते तीन भाइयों के पास पहुंच जाता है और कहता है कि ये तीनों इस हॉस्पिटल का सबसे खतरनाक पेशेंट है। और डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को उन लोगों का नाम बताता है और कहता है कि उसका नाम थ्री फिंगर वन आई टॉथ माउस है। फिर डॉक्टर एन डॉक्टर ब्रैंडन को पूछता है कि इन तीनों का ऐसा अजीब नाम क्यों रखा गया। फिर डॉक्टर कहता है कि थ्री फिंगर ने अपने दो उंगली खा लिया था इसलिए उसका नाम थ्री फिंगर पड़ा था और वन आई खुद ही अपने एक आंखों को खा लिया था इसके उसका नाम मोनाई पड़ा था। और शॉर्टवुड का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि उसने उसका दांत से एक वॉल पर रगड़ता रहता था इसलिए उसका नाम शॉर्टवुड रखा गया था। फिर डॉक्टर एन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इन लोगों का दर्द महसूस नहीं होता है क्या। फिर डॉक्टर ब्रैंडन हंसते हुए डॉक्टर एन को बताता है कि इन लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि दर्द क्या होता है, इन लोगों का दर्द नाम की कोई चीज मालूम ही नहीं है। और एक एक वो लोग वहां से चले जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर एन एंड डॉक्टर ब्रैंडन वहां से बाहर निकलने के तुरंत बाद ही जो कैदी डॉक्टर एन से हेयर पिन निकाल लिया था उसकी मदद से वो लॉक खुलने की कोशिश करता है लेकिन वो खुल नहीं पाता है। फिर हम देखते हैं कि थ्री फिंगर उस कैदी से वो मांग लेता है और वो दरवाजा खोल लेता है और सारे हॉस्पिटल का लॉक खोल ओपन कर देता है जिसके मदद से वहाँ पर सारे कैदी आजाद हो जाता है और वहाँ पर सारे डॉक्टर और नर्स को वो लॉक मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डॉक्टर एन को एक मशीन में बैठाकर उसका दिमाग जला दिया जाता है और दूसरी डॉक्टर ब्रैंडन को भी उनके हाथों और पैरों में रस्सी बांधकर उसे चारों तरफ से प्रेशर दिया जाता है जिसके मदद से हाथ एंड पैर टूट जाता है और नीचे गिर जाता है और उसे भी मार दिया जाता है। और हॉस्पिटल में जो कुछ भी हो रहा था थ्री फिंगर के इशारों पर हो रहा था क्योंकि थ्री फिंगर इन सब में से सबसे होशियार था और चालाक था इसीलिए वो सबको अंजाम देता है। और सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें 29 इयर्स बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 5 कॉलेज स्टूडेंट वहाँ पर मजे करने के लिए आते हैं लेकिन वो सब 500 लोग अपने डेस्टिनेशन में जाने से पहले ही रात हो जाता है जिसके लिए वो लोग डर जाता है और ठंड भी बहुत होता है इसीलिए वो लोग एक जगह पर स्टे करने के लिए सोचता है। लेकिन उन लोगों को वो घूमते घूमते एक बड़ा सा बिल्डिंग मिलता है जो वही पुराना हॉस्पिटल था और वो 500 लोग उस हॉस्पिटल में घुस जाता है और वहाँ पर आग लगा कर वहाँ पर गर्मी पैदा करके वहाँ पर इंजॉय करने लगता है। और वो पासो कहता है कि हम इतने देर तो बैठे नहीं रह सकेंगे इसीलिए चलो हम इस बिल्डिंग की शेयर करें और वो 500 लोग मिल के उस बिल्डिंग की शेयर करने लगता है। और उस बिल्डिंग में उन लोगों को बहुत जल्द पता चलता है कि एक हॉस्पिटल था और वहाँ पर एबनॉर्मल लोगों को रखा गया था। और फिर ये बात सुन के उनमें से एक लड़की बताता है कि एबनॉर्मल लोग बहुत ही खतरनाक होता है, वो लोगों को मारता है और लोगों को खाता है। और दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तीन भाइयों को एक लाश को लेकर उस बिल्डिंग में आते हुए लेकिन उन 5 दोस्तों में से 3 दोस्त अकेले घूम रहे होते हैं और वहाँ पर एक लड़के को कुछ शक होता है इसीलिए वो लाइट लेके एक कमरे में घुस जाता है और वो कमरा चेक करने के लिए जाता है लेकिन वो कमरे के अंदर जाते ही वो चिल्लाने लगता है। ये देखकर बाहर खड़ी हुई दो लड़कियाँ बहुत ही घबरा जाता है और वहाँ पर जाने के डरता है लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर वो रूम में चले जाता है लेकिन ये सब एक लड़का प्रैंक कर रहा था। ये देखकर वो दोनों लड़कियाँ बहुत डर जाता है और वहाँ से नाराज होकर चले जाता है और उन तीनों को वन आई पीछा करने लगता है लेकिन उन लोगों को यह बात नहीं पता चलता। दूसरी तरफ हम देखते हैं विंसेंट को सभी लोग नाराज होता है जिसके लिए विंसेंट खुद ही वहाँ के जनरेटर पर जाके ढूंढता है और जनरेटर को ऑन भी कर देता है और वहाँ पर लाइट भी आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग लाइट आने की खुशी में वहाँ पर पार्टी करने लगता है लेकिन वह सब उन लोगों को पता नहीं चलता है कि कोई उनका नजर रख रहा है और वो लोग पार्टी करते करते वो उन लोगों को एक सीडी मिल जाता है और वो सीडी एक प्रोजेक्टर में डाल देता है और उन लोगों को पता
पता चलता है कि थ्री फिंगर थ्री भाई को ओके तीन तीन भाइयों को कैसे एक्सट्रीमली ट्रीट किया जाता था। और ये देखकर उनमें से एक लड़की कहता है कि मेरा भाई एक डॉक्टर है और कहता है कि एबनॉर्मल लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। और वो लोग पूरा सीरीज देखने के बाद वो लोग आराम करने के लिए सोचता है, जिसके लिए वो लोग सोने के लिए जाते हैं और वो लोग सो जाता है। लेकिन विंसेंट को कुछ हलचल महसूस होता है, इसीलिए विंसेंट अकेला ही वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है। और वह विंसेंट किचन की ओर चला जाता है और किचन में जाके देखता है कि वो लोग जिसके पास जा रहा होता है उसका लाश देखता है। ये देखने के बाद वो लोग बहुत ही डर जाता है, वो सबको बताने के लिए आ ही रहा होता है, तभी इनका सामना सोडूत से हो जाता है। और सोडूत उसके माथे पर एक स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है, जिसके लिए वजह से उसका भी मौत हो जाता है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चारों मिल के एक विंसेंट को ढूंढी रहा होता है। लेकिन वो दोनों कहता है कि शायद विंसेंट भी फिर भी प्रैंक कर रहा है, इसीलिए वो लोग नॉर्मल ही रहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन लोग बहुत ही सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि शायद विंसेंट इतना देर तक अगर प्रैंक नहीं करता है, और उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। और वो लोग उन्हें ढूंढने के लिए नीचे पड़ा हुआ बेसमेंट में चला जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद उन लोगों को बहुत ही इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है और वहाँ पर जाके जेल भी मिलता है जहाँ पर सारे कैदियों को रखा जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखो सर ऊपर आ जाता है और वहाँ पर ऊपर और जाके किचन में आ जाता है, वहाँ पर खून देखता है। खून देख के वो लोग बहुत ही डर जाता है। फिर जैना विंसेंट को ढूंढने के लिए किचन में जाके पहुंच जाता है और वहाँ पर जाके वो देखता है कि शॉर्टूथ वो तो बटन को काट रहा है। देखने के बाद वो बहुत ही घबरा जाता है और फिर देखते है कि वहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है और उस रूट को वहाँ से ले जाता है। फिर हम देखते है कि जैना वहाँ से भाग आता है और आके सबको बताने वाला होता है, तभी वो देखते है कि बटन की शर्ट में कुछ बंदा हुआ उसके पास आता है। और पर उनमें से एक लड़की आके उस शर्ट को खोलता है, तभी वो देखते है कि बटन का सर है। ये देखकर वो लोग बहुत ही घबरा जाता है और लोग बहुत ही डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि तीन भाई एक नोकीला तार की मदद से एक लड़की के गले में बजा देता है और उसे ऊपर की ओर खींचने लगता है, और खींचने खींचते उसका सर दर से अलग हो जाता है और उन नीचे गिरने लगता है। यह देखकर वो लोग बहुत ही डर जाता है और डिसाइड करता है कि वो लोग वहाँ से चले जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि वो सारे लोग और सभी लोग अपने अपने बाइक के पास आ जाते हैं और अपने बाइक स्टार्ट करके वहाँ से निकलने में लगता है। लेकिन वो सभी लोग अपने अपने बाइक को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो तीनों भाइयों ने उस बाइक में से सारे के सारे प्लग निकाल दिया होता है। और उन दोस्तों में से एक दोस्त स्लाइड चैंपियन भी होता है, जिसके लिए वो स्लाइड करते करते वो मदद के लिए जाने के लिए सोचता है। वो गर्म कपड़े पहन के मदद के लिए चले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो चारों के पास जो रह गए थे उनके पास कोई गर्म कपड़े नहीं होता है, जिसके लिए वो सोचता है कि हम बाहर नहीं रुक सकेंगे, इसलिए हम अंदर जाके इंसर्ट रूम में जाके खुद को लग कर देंगे। और सभी दोस्त मिल के वो इंसर्ट रूम में आ जाता है और वो खुद को लग कर लेता है। लेकिन उनको सेफ्टी के लिए कोई हथियार नहीं होता है, जिसके लिए वो सोचता है कि हम बेसमेंट में जाएंगे और वहाँ पर जाके कुछ हथियार लेके आएंगे। इसके लिए आधे दोस्त बेसमेंट में चले जाता है और वहाँ पर जाके हथियार लेके चले आते हैं और वहाँ पर वाने उन लोगों का पीछा करने लगता है और उनमें से एक दोस्तों को वो पकड़ लेता है, उसे मारने लगता है और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसके लिए वो सभी दोस्त उसे बचाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन उसे वो बचा नहीं पाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि हम उस तीनों भाइयों को मार देंगे, जिसके लिए वो लोग प्लानिंग बनाता है और उसे वो प्लानिंग भी वर्क करता है। और सभी लोग मिल के उन तीनों भाइयों को एक कमरे में बंद कर लेता है जो वो पहले बंद था, और वहाँ पर उन लोगों का जलाने वाला होता है। लेकिन वहाँ पर एक दोस्त आके कहता है कि इसे मत जलाओ, इसे भी जीने का हक है, और उन तीनों को मारे बगैर उसे जेल में भेजने के लिए डिसाइड करते हैं। फिर हम देखते हैं रात को वो तीनों भाइयों उसे हेयर बेल की मदद से फिर से वो दरवाजा खोल लेता है और वो लोग बाहर आ जाता है और जो दोस्त पहरा दे रहा होता है उसे भी मार देता है और वो सभी तीनों भाई वहाँ के जनरेटर को ऑफ कर देता है। और जैना है सब कुछ चेक करने के लिए उनके सेल के पास आता है। वो सेल के पास आके देखते है कि सेल में थ्री फिंगर और उनके भाई नहीं है और उनका दोस्त भी नहीं है। देख कर वो बहुत ही डर जाता है और वापस से उनके दोस्त को इस बारे में बात करने के लिए आते हैं। लेकिन इतनी देर में एक बंदा आ जाता है उनके खिड़की के पास आ जाता है। ये देखकर वो लोग बहुत ही डर जाता है और वो सोचता है शायद थ्री फिंगर है, इसीलिए वो चारों मिलके उस पर बहुत ही अटैक कर देता है और उसके मारने के बाद उसका फेस देखने की इच्छा जाहिर करते हैं और उसका फेस निकलता है। तब वो देखता है कि वो उनका दोस्त होता है और उनका जुबन कटा हुआ होता है। देख कर वो बहुत ही डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तीनों भाई उन लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था, जिसके लिए वो लोग उनके बसते बसते वो लोग एक रूम में आ जाते हैं और वहाँ पर उन लोगों का ड्रेस मिल जाता है और वो लोग
लोग सभी अपने अपने कपड़ा पहन लेता है और उन लोग खिड़की से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक जेलता है, सारी खिड़की एक सीलता है और ये तो चेक करते करते एक खिड़की उसे मिल जाता है जो टूटा हुआ था, लेकिन बाहर से उसे बर्फ जमा हुआ था, वह बंद था। इतनी देर में वहाँ पर तीनों भाई आ जाते हैं और दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन उनमें से एक दोस्त उसे बर्फ में से एक रास्ता बनाने में कामयाब हो जाता है और उसे बर्फ से बाहर निकलने की कोशिश करता है और तीन दोस्त वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जैना वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसी वक्त वहाँ पर शॉर्टकट आ जाता है और उसे एक ड्रिल मशीन की मदद से उसे भी मार देता है। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ से भागने लगता है और तीनों भाइयों उनके बाइक लेके उन लोगों का पीछा करने लगता है और वहाँ एक दोस्त को पकड़ लेता है और लेकिन वो लड़की उसके हाथ में स्टेप करता है जिसके लिए उसे वो सर देता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं उनमें से जो दोस्त मदद के लिए आया हुआ था उनके पास बर्फ जमा होने के कारण वो मर जाता है। हालांकि उनके सामने मेन रोड होता है, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वो मेन रोड को उसे नजर नहीं आते और वो मर जाता है। और उन सभी दोस्तों में से अभी सिर्फ दो दोस्ती बचा हुआ होता है, केनिया एंड सारा, और वो लोग केनिया को वो वन फिंगर मार नहीं वाला होता है, तभी सारा वो वन फाइव को हिट कर देता है और उसे स्नोवेल से नीचे फेंक देता है और वो दोनों मिलके उनका स्नोवेल लेके वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है और वो लोग बहुत ही खुश होता है क्योंकि उन लोगों को उन तीनों भाइयों को हरा दिया होता है और वो लोग को इतना खुश हो जाता है कि उनके सामने हाइड एंड वायर लगा हुआ था वो उन लोग नहीं दिखता है, जिसके लिए उन दोनों का सर दर्द से अलग हो जाता है। फिर वहाँ पर थ्री फिंगर आता है और उन लोगों का सर लेके वहाँ से चला जाता है और उन लोगों का बॉडी वहीं पर ही पड़ा रहता है और यहीं पर ही इस मूवी का एंड हो जाता है।